आज का टॉपिक है ब्रेस्ट एब्सेस। तो आज हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट एब्सेस क्या होता है। जो ब्रेस्ट एब्सेस की कंडीशन है, इसमें ब्रेस्ट में जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं, जो पस फिल्ड होते हैं, यानी कि पस फिल्ड जो पाउचेस बन जाते हैं इसमें, और जो कि इरिटेशन कॉज करते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, और जिनकी वजह से क्या होता है, पेन कॉज होता है ब्रेस्ट के अंदर। तो ये सारे जो है सिम्टम होते हैं, यानी कि जो पस फिल जो पाउचेस बनते हैं उस कंडीशन को हम कहते हैं ब्रेस्ट एब्सेस की कंडीशन को। और जो कॉज होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, यानी कि जो बैक्टीरिया है इसका जो क्रैक्ड निपल होते हैं या फिर स्क्रैच होते हैं, तो वहाँ से ये एंटर करके और ब्रेस्ट में एब्सेस कॉज करता है, इन्फ्लेमेशन की कंडीशन कॉज करता है, जो कि अगर इन्फेक्शन अगर सीवियर हो जाए तो उसकी वजह से ब्रेस्ट एब्सेस की कंडीशन कॉज होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कॉजेस के बारे में। तो इसका कॉजेस में फर्स्ट है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये जो बैक्टीरिया है वो स्क्रैच और क्रैक्ड निपल के थ्रू ब्रेस्ट में एंटर करता है, जिसके बाद इन्फ्लामेशन कॉज करता है, और जो उसके अगर इन्फ्लामेशन जो है वो सीवियर होता है तो जो ब्रेस्ट एब्सेस की कंडीशन ये कॉज करता है। इसके अलावा इसके कई अनदर फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी डिसीज कंडीशन हो सकती है, इंजरी या ट्रॉमा की वजह से ब्रेस्ट एब्सेस हो सकता है, या फिर इंसेक्ट बाइट की वजह से भी जो है ब्रेस्ट एब्सेस की कंडीशन कॉज हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में। तो ब्रेस्ट एब्सेस की कंडीशन में जो ब्रेस्ट एरिया है वहाँ पर पेन रहेगा, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन रहेगा, वहाँ पर रेडनेस रहेगी, स्वेलिंग रहेगी, एरिथमेटस जो स्किन वहाँ की शो होगी, और इसके अलावा वहाँ जो निपल है वहाँ से डिस्चार्ज होगा, जो फ्लूइड है वो उसका डिस्चार्ज होगा, और जो ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट की कंडीशन देखी जाती है, यानी कि जो ब्रेस्ट है उनका साइज़ बड़ा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है वहाँ पर। तो ये सारे सिम्टम हमें ब्रेस्ट एब्सेस की कंडीशन में दिखाई देते हैं, जिन भी पेशेंट को ब्रेस्ट एब्सेस की कंडीशन होती है। इसके अलावा अनकंफर्टेबल फील होता है, और इंसोमनिया की कंडीशन रहती है, इन्फ्लामेशन की वजह से माइल्ड फीवर उन पेशेंट को रहता है, और इरिटेबिलिटी उन लोगों में देखी जाती है। इसके अलावा बात करेंगे हम डायग्नोसिस के बारे में। तो इसके डायग्नोसिस में हिस्ट्री टेकिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। हिस्ट्री टेकिंग के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो उनको पहले प्रीवियसली टाइम में उनको कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन में हम जितने भी सिम्टम्स उनके अपीयर हो रहे हैं वो सारे सिम्टम को असेस कर सकते हैं, और हम पता लगा सकते हैं कि ये सीवियर कंडीशन है या माइल्ड स्टेज है। इसके बाद है हम जो ब्रेस्ट का एक्सरे करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, या फिर एमआरआई करवा सकते हैं। इसके अलावा एफएनएबी करवा सकते हैं, यानी कि फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी करवा सकते हैं, जिसमें कि टिश्यू बायोप्सी जो की जाएगी, जिसके थ्रू हमें पता लग सकता है कि ये जो बैक्टीरिया है वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो बैक्टीरिया है इसकी वजह से जो ब्रेस्ट एब्सेस है वो कॉज हुआ है, या फिर इसका कोई अनदर फैक्टर है जिसकी वजह से ये कंडीशन कॉज हुई है। इसके बाद हम इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं उनको एडमिनिस्टर करेंगे, जिससे कि जो बैक्टीरियल प्रेजेंस है, जो इन्फेक्शन है उसको रिड्यूस किया जा सके। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, जिससे कि इन्फ्लेमेशन के जो एरिथमेटस स्किन है और रेडनेस स्वेलिंग है तो वो सारी चीज़ें कम हो सके। एनाल्जेसिक दे सकते हैं, जिससे कि पेन रिड्यूस हो सके। इसके अलावा हम पेशेंट को एंटीपायरेटिक ड्रग दे सकते हैं, जिससे कि फीवर की जो कंडीशन है वो ट्रीट हो सके, और उनको टॉपिकल एजेंट्स यानी कि टॉपिकल मेडिसिंस उनको देंगे, क्रीम्स देंगे, जिससे कि वो उस एरिया में अप्लाई करके और उस एब्सेस की जो कंडीशन है यानी कि जो इन्फ्लेमेशन की जो कंडीशन है वो कम हो सके। इसके अलावा कई अनदर मेथड्स के थ्रू भी हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इसके प्रिवेंशन के बारे में। तो जो ब्रेस्ट एब्सेस है इसके प्रिवेंशन के लिए हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो जिस भी उनको ब्रेस्ट में उनको एब्सेस हुआ है, तो अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो वो उस साइड से ब्रेस्ट फीड ना करवाएं, क्योंकि वो सीवियर हो सकता है, या फिर इसके अलावा हम अनदर उनको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, जैसे कि जो भी मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब की गई हैं वो अगर टाइम टू टाइम लें, क्लीनलीनेस का ध्यान रखें, ब्रेस्ट को क्लीन करते रहें,
पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखें, साथ ही में ही न्यूट्रिशियस डाइट वो ले सकते हैं जिससे कि उनका जो न्यूट्रिशनल जो हेल्थ है, न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो मेंटेन रहे, और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लें जिससे कि डिहाइड्रेशन की कंडीशन कॉज ना हो। इसके अलावा हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं जिससे कि जो ब्रेस्ट एप्सिस की वजह से जो भी उनको फियर एन्जाइटी की कंडीशन है, उनको इरिटेशन हो रही है, इरिटेबिलिटी है, तो वो सारा रिड्यूस हो सके, उनको कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे जिससे कि वो प्रॉपर रेस्ट ले सकें और उनकी जो कंडीशन है वो ट्रीट हो सके, जल्दी ही उनको जो है आराम मिल सके, रेस्ट मिल सके फुल। तो ये सारे मैनेजमेंट कर सकते हैं हम या फिर प्रिवेंशन कर सकते हैं जो ब्रेस्ट एप्सिस के लिए। तो ब्रेस्ट एप्सिस की कंडीशन क्या थी, जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो पस फिल्ड होते हैं उनका फॉर्मेशन हो जाता है ब्रेस्ट में, जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है, उसको उस कंडीशन को हम कहते हैं ब्रेस्ट एप्सिस। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और आप इस टॉपिक के नोट्स के लिए ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।